हार्दिक अभिनंदन व्यूअर्स आपके अपने चैनल स्टॉक स्पार्क ट्रेडर्स में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएल इंडिया के बारे में, जो आज हमें 1188.90 पर 2% की तेज़ी में ट्रेड करता नज़र आया। इस स्टॉक के इन्वेस्टर्स के लिए आ चुकी है बहुत बड़ी खुशखबरी, जिससे ये स्टॉक हमें कुछ ही सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स देता नज़र आएगा, जो कि आज ही यानी 15 फेब को निकल के आई है। With 45% ad share, digital to overtake TV in 2022, जिसका मतलब है कि डिजिटल मीडिया एडवर्टिजमेंट TV एडवर्टिजमेंट को 2022 में पीछे छोड़ती नज़र आएगी। जो कंपनीज डिजिटल मीडिया एडवर्टिजमेंट में काम करती हैं, उनके रिजल्ट्स में हमें बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जब भी मोबाइल एडवर्टिजमेंट की बात होती है तो सबसे पहले एफएल इंडिया का ही नाम आता है, तो ये खबर इस स्टॉक के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। तो ग्रुप एम की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिजिटल एडवर्टिजमेंट मार्केट का 45% शेयर कैप्चर करती नज़र आएगी, जबकि टीवी एडवर्टिजमेंट 39% तक ही रहेगी। ईयर 2022 में इंडिया ऑन एस्टिमेट 1,07,000 करोड़ एड पे ही स्पेंड करेगा, जो कि 2021 के मुकाबले 22% की ग्रोथ है और इंडिया को टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स में ले आएगी। तो ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और अभी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अच्छे रिटर्न्स के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो का पार्ट ज़रूर बनाएं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ।